नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल होते हैं वो एंड्रॉयड सिस्टम के साथ या म्यूजिक सिस्टम के साथ कैसे मैप करता है। गाइज मैं कुछ आप लोगों को कोई डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से कंट्रोल्स को मैप करना बताऊंगा। तो आज आइए फटाफट वीडियो में देख लीजिए कि किस तरीके से मैप करना है। गाइज मेरे पास है मारुति सुजुकी की सिलेरियो जो कि है ओल्ड मॉडल 2016। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये बटन मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 बटन यहाँ होते हैं, मतलब 9 बटन कुल है, जिसमें से कि अगर नॉर्मली हम देखें तो एक म्यूट का है, एक मोड का है, एक वॉल्यूम अप डाउन करने का है, एक सॉन्ग आपका नेक्स्ट और प्रीवियस करने का है, और यहाँ पर 3 बटन है जो कि है, एक आपका ब्लूटूथ का है, एक आपका कॉल रिसीव करने का है और एक आपका कॉल कट करने का है। लेकिन इन सारे बटन्स को हम कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे और वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो आइए गाइस, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की हम एप्लीकेशन को खोज लेते हैं, जो कि रही हमारे पास ये रहा। तो सबसे पहले गाइस मैं नॉर्मल तरीके से जैसे बटन है, जैसे हमारे पास स्टीयरिंग कंट्रोल में बटन है, और कई लोगों के ना बहुत से बटन्स भी होते हैं जिसमें इतने ही बटन्स हैं, कई लोगों के स्टीयरिंग कंट्रोल में यहाँ पे भी कुछ बटन्स दिए होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गाड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मैप कर रहे होंगे। और पहले हम नॉर्मल मैप करते हैं, फिर मैं एक स्पेशल तरीका बताऊँगा जिस तरीके से मैंने खुद यूज़ कर रखे हैं, जो कि आप कम बटन से भी बहुत से फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बटन पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपको जो बटन मैप करना है उसको आप यहाँ पे प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग में प्रेस करते हैं म्यूट बटन। अब यहाँ पे हम म्यूट ढूंढ लेते हैं, ये रहा हमारा म्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है मोड, मोड को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा है मोड, हमने ये भी सिलेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप पे हम यहाँ पे वॉल्यूम अप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन। नेक्स्ट आपका आ गया जो सॉन्ग नेक्स्ट करने का होता है, यहाँ पे सॉन्ग नेक्स्ट करने वाला ये है, प्रीवियस सॉन्ग के लिए हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे एक बटन है ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ के लिए हम ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बटन है कॉल रिसीव करने का, रिसीव करने का यहाँ पे ये वाला है, और एक बटन है कॉल कट करने का, कॉल कट करने का जो कि हमने दबा दिया ये। तो ये तो हो गया गाइस नॉर्मल तरीके से कैसे हम इस बटन के, जितने भी बटन्स दिए हुए इसके हिसाब से हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये हो गया ये तरीका, एक बार हम एंड कर लेते हैं, ठीक है जी, ये फिनिश हो गया। अब होम पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन हो रही है, म्यूज़िक प्ले करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड भी होगा। मोड एक बार चेंज कर लेते हैं, ये देखिए म्यूज़िक तक गया, मोड चेंज कर लिया, मोड बिल्कुल प्रॉपरली बिल्कुल। सो गाइज जितने बटन हमने मैप किए थे सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ, स्मार्ट तरीका, जिससे आप कॉलिंग वगैरह और बहुत सी चीज़ें और भी हम एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं कम बटन होते हुए भी, ठीक है। वो वाला तरीका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल फिर से ओपन करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट पर फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो तो म्यूट का बटन है वो तो हम म्यूट के साथ ही मैप करेंगे, मोड का बटन हम मोड के साथ ही मैप करेंगे, साउंड अप करने का बटन हम साउंड अप के साथ ही यूज़ करेंगे, वॉल्यूम डाउन का हम वॉल्यूम डाउन के साथ ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो दो बटन दिख रहे हैं जिससे सॉन्ग नेक्स्ट और सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग चेंज कर सकते हो, उस चीज़ को हम किसी और तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ करो ये रहा सॉन्ग नेक्स्ट करने का बटन, लेकिन हम इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है बटन, यहाँ से आप ये देखिए, एक बटन यहाँ पर ये है और एक बटन आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे आप एक ही बटन से दो दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। मैंने क्लिक किया था ये वाला जिससे नेक्स्ट होता है, तो हम इसके लिए हम ये वाला, हो गलत यूज़ हो गया, एक मिनट, यहाँ से ये वाला। अब इससे क्या होगा कि आप सॉन्ग नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है, प्ले सॉन्ग नेक्स्ट भी होगा, लेकिन अगर आपको कॉल काटनी है, कॉल कट करनी है, तो इसी बटन से कॉल कट भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका ये आ गया सॉन्ग प्रीवियस के लिए, अब इसको हम यूज़ करेंगे कॉल रिसीव करने को और
कॉल नेक्स्ट करने वाला, ठीक है। तो ये दो दो इस बटन से हमारे दो दो काम हो गए, एक तो सॉन्ग नेक्स्ट या सॉन्ग प्रीवियस भी होगा और कॉल रिसीव और कॉल काट भी सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब इस तरीके से अब नेक्स्ट ये बटन यूज़ कर लेते हैं जो कि है ब्लूटूथ का। तो नॉर्मली जो पुराना स्टीयरिंग होता था या पुराना स्टीरियो होता था तो उसमें ब्लूटूथ यहाँ से कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे नहीं कुछ करने को, तो यहाँ से कर लो तो बेटर था। लेकिन इस वाले में क्या है, आपको सारा कुछ स्क्रीन पर मिल जाता है, बहुत ईजिली आपको हर चीज़ शॉर्टकट मिल जाती है। तो ब्लूटूथ हम इसको ब्लूटूथ के लिए यूज़ ना करते, हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा नॉर्मली गाना प्ले और पॉज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आपको पता है यार, नॉर्मली आप गाड़ी चला रहे हो तो अब हमेशा आप हर टाइम ऐसा नहीं गाड़ी चलाते चलाते आप यहाँ ढूंढोगे कि कहाँ प्ले पॉज है, वहाँ पे क्लिक करोगे। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ड्राइव करते हुए इस चीज़ को इसमें ना ही फंसे, क्योंकि बहुत रिस्क होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का। बट फिर भी हम इसको यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ को यूज़ किया मैंने गाना प्ले और पॉज करने के लिए। अब नेक्स्ट रहा मेरे पास ये कॉल रिसीव करने का। अब इसको मैं किस चीज़ के लिए, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको होम बटन पे जाने के लिए, ठीक है। अब कैसे यूज़ होगा, क्या इसका काम है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। और नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉल कट करने वाला है, इसको मैं यूज़ करूँगा बैक जाने के लिए, ठीक है। यहीं पर था कहीं बैक का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने अपने स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से मैंने मैप कर लिए। बाकी और भी इसमें ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये देखो 360 डिग्री है कुछ, ये तो मिक्सर यूज़ हो गया है, नेविगेशन वाला है, रेडियो है, डीएसपी है, ऑक्स है, डिस्क है, ब्लूटूथ है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मुझे अपने सहूलियत के हिसाब से जो मैंने यूज़ करना था मैंने कर लिया है। इसको कर लेते हैं एंड, ठीक है। इसको अब होम पर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को जो मैंने ये बटन्स जो मैंने किसी और तरीके से मैप किए इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। सपोज़ करो आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी आपने ऐप खोल रखी है ऐसा है, या फिर आपने ये मान लो कोई ऐप खोल देता हूँ, मैंने ये खोल रखी है, और ड्राइव करते करते ही आपको होम पे जाना है या बैक करना है तो आपको यहाँ टच करना पड़ता है। ड्राइव करते करते ना कीजिएगा, दूसरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ड्राइव करते करते इसको यूज़ ना करें। बट फिर भी अगर मान लो आपको यूज़ करना है तो अब यह कहाँ जाके यहाँ ढूंढोगे पहले बटन, फिर क्लिक करोगे, फिर ऐसा करोगे, तो इससे अच्छा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल होने से क्या होता है। मान लो मैंने बैक करना है, मैंने बैक कर लिया, मान लो मैंने होम पे जाना है, यहीं से मैं दबा दूंगा और ये होम पे चला जाएगा। सो गाइज, ये थे दो तरीके स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल माउंट करने के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एक तरीका नॉर्मल तरीका था, जैसे बटन आपके पास स्टीयरिंग में दे रखे हैं वैसे आप सेम बटन आपके जो स्टीरियो में है उसके साथ आप मैच कर लीजिए नाम के हिसाब से। और एक तरीका दूसरा बताया मैंने जिसमें आप कुछ और तरीके से मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर सकते हो एक बटन के साथ, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जिससे जिनके पास कम बटन हैं अपने स्टीयरिंग में, मेरे पास इतने ही हैं, कई लोगों के स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा बटन होते हैं, उससे बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो उस तरीके से आप मैप भी कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल में ब्लूटूथ का बटन है तो आपको उसी को ब्लूटूथ के लिए यूज़ करना है, उस बटन को आप किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप समझिए और इसी तरीके से आप भी अपने स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल को जो मैप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और कोई क्वेश्चंस है और किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो स्टीरियो से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जल्दी जल्द उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।